देखिए, ये काफी दुखद है कि राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म में, हम पूरे हिंदुस्तान में इस दुष्कर्म के अंदर हमारा राजस्थान एक पहले नंबर पर आ गया। और कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हैं, इसमें जो RPSC में रोज पेपर आउट हो रहे हैं और जिस तरीके से नौजवान परेशान है, इस सरकार की तो स्थिति तो ठीक नहीं है। जो ये सच बात बोलना और सच के बाद में उसको उसमें सुधार करने के बजाय ये उन्होंने कर किया। सरकार को हमने 5 साल तक, इस सरकार को अल्पमत में थी, हमने इसको राजस्थान की जनता के हित के लिए, कि ये राजस्थान की जनता का हित होगा, मजबूत सरकार रहेगी, फैसले करेगी, लेकिन उसमें जो जिस तरीके से नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ कानून व्यवस्था की जो स्थितियाँ हुई, तो उसमें जो हमने सोचा था वो नहीं हो रहा। आप अब मैं सोमवार को विधानसभा में जा रहा हूँ, ये सारी बातें मैं वहाँ करूँगा। पड़ा है इस मामले के अंदर काफी टाइम बचा हुआ है। मैं ये नहीं मानता कि सचिन जी की मुख्यमंत्री जी से सेटिंग हो गई, ऐसा कुछ है नहीं। और पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के, लेट पायलट साहब, राजेश पायलट साहब के टाइम से वो कांग्रेस में थे, आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे, और वो उनकी राजनीति है। बाकी वो पार्टी में किस तरीके से काम करते हैं, नहीं, ये आगे की बात है। तो आदमी को जो सच लगे, मुझे जो सच लगा वो मैंने ठीक लगा, वो मैंने किया। मुझे लग रहा था पायलट साहब के साथ ठीक नहीं हो रहा तो वो बोला, मुझे आज लग रहा है महिलाओं के साथ ठीक नहीं तो ये बोला, मुझे लगा यूथ के नौजवान के साथ ठीक नहीं हुआ तो RPSC भी बोला, मुझे ये ठीक लगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार कंट्रोल नहीं करे तो उस पर बोला। ये अब वो तो क्या मानते हैं आप? ये तो उनसे पूछा। देखिए, ये काफी दुखद है कि राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म में, हम पूरे हिंदुस्तान में इस दुष्कर्म के अंदर हमारा राजस्थान एक पहले नंबर पर आ गया। और कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हैं, इसमें जो RPSC में रोज पेपर आउट हो रहे हैं और जिस तरीके से नौजवान परेशान है, इस सरकार की तो स्थिति तो ठीक नहीं है। जो सच बात बोलना और सच के बाद में उसको उसमें सुधार करने के बजाय ये उन्होंने कर किया। सरकार को हमने 5 साल तक, इस सरकार को अल्पमत में थी, हमने इसको राजस्थान की जनता के हित के लिए, कि ये राजस्थान की जनता का हित होगा, मजबूत सरकार रहेगी, फैसले करेगी, लेकिन उसमें जो जिस तरीके से नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हुई, तो उसमें जो हमने सोचा था वो नहीं हो रहा। आप अब मैं सोमवार को विधानसभा में जा रहा हूँ, ये सारी बातें मैं वहाँ करूँगा। देखिए, ये काफी दुखद है कि राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म में, हम पूरे हिंदुस्तान में इस दुष्कर्म के अंदर हमारा राजस्थान एक पहले नंबर पर आ गया। और कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हैं, इसमें जो RPSC में रोज पेपर आउट हो रहे हैं और जिस तरीके से नौजवान परेशान है, इस सरकार की तो स्थिति तो ठीक नहीं है। जो सच बात बोलना और सच के बाद में उसको उसमें सुधार करने के बजाय ये उन्होंने कर किया। सरकार को हमने 5 साल तक, इस सरकार को अल्पमत में थी, हमने इसको राजस्थान की जनता के हित के लिए, कि ये राजस्थान की जनता का हित होगा, मजबूत सरकार रहेगी, फैसले करेगी, लेकिन उसमें जो जिस तरीके से नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हुई, तो उसमें जो हमने सोचा था वो नहीं हो रहा। आप अब मैं सोमवार को विधानसभा में जा रहा हूँ, ये सारी बातें मैं वहाँ करूँगा। पड़ा है इस मामले के अंदर काफी टाइम बचा हुआ है। मैं ये नहीं मानता कि सचिन जी की मुख्यमंत्री जी से सेटिंग हो गई, ऐसा कुछ है नहीं। और पायलट
पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के लेट पायलट साहब राजेश पायलट साहब के टाइम से वो कांग्रेस में थे, आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे और वो उनकी राजनीति है। बाकी वो पार्टी में किस तरीके से काम करते हैं सिर्फ नहीं नहीं ये आगे की बातें हैं। तो आदमी को जो सच लगे, मुझे जो सच लगा वो मैंने ठीक लगा वो मैंने किया। मुझे लग रहा था पायलट साहब के साथ ठीक नहीं हो रहा तो वो बोला, मुझे आज लग रहा है महिलाओं के साथ ठीक नहीं तो ये बोला, मुझे लगा यूथ के नौजवान के साथ ठीक नहीं हुआ तो आरपीएस भी बोला, मुझे ये ठीक लगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार कंट्रोल नहीं करे तो उस पर बोला। अब वो तो क्या मानते हैं आप, ये तो उनसे पूछा। देखिए ये काफी दुखद है कि राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म में हम पूरे हिंदुस्तान में इस दुष्कर्म के अंदर हमारा राजस्थान एक पहले नंबर पर आ गया और कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हैं इसमें जो आरपीएससी में रोज पेपर आउट हो रहे हैं और जिस तरीके से नौजवान परेशान है कि सरकार की तो स्थिति तो ठीक नहीं है। जो सच बात बोलना और सच के बाद में उसको उसमें सुधार करने के बजाय उन्होंने कद किया। सरकार को हमने 5 साल तक इस सरकार को अल्पमत में थी हमने इसको राजस्थान की जनता के हित के लिए कि ये राजस्थान की जनता का हित होगा, मजबूत सरकार रहेगी, फैसले करेगी, लेकिन उसमें जो जिस तरीके से नौजवानों के साथ महिलाओं के साथ कानून व्यवस्था की जो स्थितियाँ हुई तो उसमें जो हमने सोचा था वो नहीं हो रहा। आप अब मैं सोमवार को विधानसभा में जा रहा हूँ ये सारी